और फरमाए दो चीजें तो हमें एक बड़ा था दौरा का पूछता दो लड़का दौरा को एक लड़का साढ़े चार चक्कर मारना था पीड़िता और साढ़े तीन चक्कर मार के रुक गया। हमें बड़ा दर्द हुआ आधा चक्कर पीड़िता है और एक जो है अभी चक्कर मारा रहेंगे हमें बहुत खुशी हुई। यह अपने आप को तय कर लिया कि हम इससे ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे बट गया शुरू में निधारित ज्ञान से नहीं होगा लेकिन साढ़े तीन चक्कर चार चक्कर मारना था और साढ़े तीन चक्कर मार कर रुक गया वो जिंदगी का बहुत बड़ा खून कर गया। आधा चक्कर जब इतना दौड़ गया था आधा चक्कर कुछ नहीं हो सकता तो कहना है हमारा ये कि हम बोले कि जो पहला चक्कर जवान अगले चक्कर मार गया बैठ गया था बिल्कुल नहीं हुआ जब वो दगा तो वो आधा चक्कर इतना कर गए हैं तो चार चक्कर कहां से मारेंगे वो अपना कमर टाइट कर दिया ठीक किया। अगर आपको लगता है कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं अगर आपको लगता है हमारी भाव भंगिमा को देखकर आपको लगता है संसार किसी को खुश करने का काम कर सकता है नहीं हम कुछ कुछ में किसी करते हैं बेचर मेरा नहीं है तो डिसीजन तुम्हें वो होगा कि अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं करके तो दुनिया से लड़ जाइए आप जाइए दुनिया से लड़ लीजिए आप। अगर आपको कभी गांव होता है तो भी पैसा और समय दोनों बर्बाद कर संसार में सभी लोग जीते हैं जो नौकरी करते हैं वो भी जीते हैं जो नौकरी नहीं करते हैं वो भी जीते हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं वो प्राइवेट काम करके ही सरकारी नौकरी से अच्छा जीवन जीते हैं बहुत ऐसे लोग भी उदाहरण हैं लेकिन सरकारी नौकरी की महत्ता इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सोशल दृष्टि जैसे करते हैं वैसे कीजिए रिविजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए पढ़िए कम रिविजन ज्यादा कीजिए और इतना ही नहीं आप लोगों को इस तरह का छूट भी दे दिए हैं किसी एक स्टूडेंट के कॉपी में जो प्रश्न आपको लगता है वो नहीं जानते बहुत टफ है तो किसी एक स्टूडेंट के कॉपी में उस प्रश्न को लिखते जाइए जब प्रश्न जमा हो जाएगा एक एक करके हम सारे प्रश्न को बता देंगे लेकिन अभी तक हमने जो कभी प्रश्न जमा नहीं किया काम करना तो आचार ध्रम में ये जो है अश्वत्थम जब इंसान का नाश जगाता है माथा पर तो वो गुस्से ही ज्यादा होता है उसको नींद ज्यादा आएगी उसको भूख भी खूब लगेगी और छोटी छोटी बात पर वो स्वाभिमान बनाएगा उसका हाल निश्चित है अगर ऐसे किसी से कम लड़का नहीं था तो मुझे बता कि लड़का तो जहां जिस इंसान में क्रोध आ जाए भूख आ जाए नींद आ जाए अगर कभी नाम मेरा छोटी छोटी बात को स्वाभिमान बना ले तो जाकर कहा था यहाँ पर अच्छा फोन का बेटा सुरक्षा हुआ कि आप अर्जुन को बहुत मानते हैं कैसे हो गया बहुत अच्छा उनका जवाब मजा था कि बेटा हम पैसा नहीं मुझे ज्यादा है ज्ञान तो सबको बराबर थी जो ज्ञान तुम्हें दिए थे वही युधिष्ठिर को दिए वही अर्जुन को दिए थे अंतर यही हो गए कि हम तुम्हें जितना ज्ञान दिया उतना ही ज्ञान मानकर तुम संतुष्ट हो गए लेकिन अर्जुन उतना ज्ञान का रूखा नहीं और ज्ञान का तलाश करते चला गया इसलिए वह दुष्ट का सर्वश्रेष्ठ अंदर बन गया तुमने संतोष करके वहीं पर उठ गया। हम जो पढ़ाते हैं समझाते अब विज्ञान की तरह पढ़ाए तो सबको बराबर लेकिन उसमें कौन लड़का है जो रूटीन बंद समय पर उसको रिविजन किया है और रिविजन करने के बाद हर बार प्रैक्टिस किया तो जो बार बार रिविजन करेगा बार बार प्रैक्टिस करेगा तो वह औरों से अलग बिल्कुल अलग 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 दिखाई देगा जैसे कि करोड़ों सितारों के बीच चांद अलग दिखाई देता है जैसे मौसम विद्यार्थी के बीच
इसका मतलब व्यापी दिखाई देता है। हम स्वाभिमान मुझे बनाना है, स्वाभिमान की बात करनी कीजिए, ये दिन आप कंप्लीट करके दुनिया को दिखाते हैं। रही बात मैसूर की, तो अंग्रेज आया दक्षिण भारत, अंग्रेज जब दक्षिण भारत की धरती पर कदम रखा तो मैसूर की धरती रोने लगे, क्योंकि धरती मां होती और मैसूर की धरती से निकलना ही है। हर एक आवाज खून खून कर रही थी चिल्ला चिल्ला कर, देखा अंग्रेजों ने हमने देख लिया है धरती मां होती है, धरती मां होती है। और याद रखिए किसी महिला की शादी होती है ना, वो सबसे ज्यादा भरोसा अपने पति पर करता है, सबसे ज्यादा भरोसा अपने पति पर करती है। लेकिन जब उस महिला का पेट बड़ा होने लग जाता है तो पति से ज्यादा भरोसा वो अपनी देना पड़े और सोचते रहती कि कभी कुछ होगा तो मेरा बेटा है। और जब ये दक्षिण भारत की धरती पर खड़ा होकर अंग्रेज मैसूर की धरती को देखा तो मैसूर की धरती रोने लगी और मैसूर की धरती की आंखों से निकल रही है एक एक आंसू चीख चीख कर करने लगी। मैसूर की धरती को देखा है जो आज हनुमान की सम्मान की रक्षा कर सके, ऐसे समय में मैसूर की धरती से एक मैसूर की धरती पर एक सेना नायक का उदय हुआ जिसका नाम था हैदर। अगर ये चिल्ला के हमने कहा अंग्रेज मैसूर की धरती पर एक कदम भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो कतलेआम मचा देंगे, और अंग्रेज वही रुक गया क्योंकि अंग्रेज को मालूम था कि हम अकेला हैदर अली को कुछ भी नहीं आ सकते। अंग्रेज क्या किया, देखा कि दक्षिण भारत में ताकत कौन कौन है, तो देखा कि एक अंग्रेज है, मराठा है और हैदराबाद का निजाम है। तो हमारी लड़ाई है किससे, हमारी लड़ाई है हैदर अली से। हैदर अली से जब लड़ाई है तो यहाँ ये दो ताकत जिसका ये भर में रहेगा जीत तो उसकी होगी। अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदराबाद के निजाम और मराठा को अकबर मिला लिया और हैदर अली के खिलाफ त्रिभुज बना दिया और संधि के शर्तों के तहत हैदर अली के राज पर सर्वप्रथम मराठा आक्रमण किया। अंग्रेज चाहता तो अकेले लड़ लेता मराठा से, हैदर अली चाहता तो अकेले लड़ लेता मराठा से, लेकिन हैदर अली अकेला मराठा से नहीं लड़ा और मराठा को कहा ये मराठा बिना युद्ध किए तुम्हें हम 35 लाख रुपए की जैली दे दे तो कैसा रहेगा। मराठा ने कहा कि बहुत ही अच्छा रहेगा, लो मराठा तुम भी तैयार जा रखेगा लो, और 35 लाख रुपये का सैनिक लिया अंग्रेज पर चल दिया। अंग्रेज कहा कहा चला, मराठा कहा कि मेरे सर में दर्द है बाद नहीं थे। इस प्रकार हैदर अली को त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज से मराठा निकल गया। अब कौन बचा, अंग्रेज हैदराबाद के निजाम। हैदर अली सोचा जो अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम तो चूहा मिलकर मेरे राज पर आक्रमण करे, हम ही क्यों नहीं आक्रमण कर दे। और हैदर अली ने अंग्रेज और हैदराबाद के नियम के समय सेना बताया है जाए, इसे हम प्रथम मैसूर युद्ध के नाम जानते हैं। और प्रथम मैसूर युद्ध का समय माना जाता है 1767 से 1769 ईस्वी। प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम के संयुक्त सेना को पराजित करके उसमें एक संधि करने के बाद किया जिसका नाम था मद्रास की संधि। और इस प्रकार मद्रास की संधि 1767 ईस्वी हुई, 1769 ईस्वी हुई थी। और इस प्रकार मद्रास की संधि के तहत प्रथम मैसूर की समाप्ति हुई। प्रथम मैसूर ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जोसेफ स्मिथ ने किया था, जोसेफ स्मिथ ने किया था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि प्रथम मैसूर युद्ध का समय क्या माना जाता है 1767 से 1769, क्योंकि अगर प्रथम मैसूर में हैदर अली ने किसको पराजित किया, अंग्रेज हैदराबाद के निजाम को पराजित करके एक
कौन सी संधि करने के बाद किया? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1790 ईस्वी में। और यही सेना में भी कौन किया था? 286। तृतीय विश्वयुद्ध की जब बात करते हैं तो मैं यहाँ पर द्वितीय विश्वयुद्ध की जब बात करते हैं जिसका समय माना जाता है 1780 से 1784। लेकिन चार साल हो गया अंग्रेज एक रुपया ले गया, अमाउंट बढ़कर हो गया 28 लाख रुपया। हैदराबाद का निजाम वहां के दोस्त कहा था कि हमें अपना जिला दे दो, थोड़ा जिला तुमको दे दी। उस जिला पहले प्रत्येक साल 7 लाख रुपया देने की बात हुई थी, 4 साल हो गया तो रुपया ले गया दोनों अंग्रेज का, तुमको बड़ी मार मारे। मेरा काम अंजलि है तुम्हें ताकत मिले। हैदराबाद का निजाम था बड़ा बदमाश है, मेरा जिला भी ले लिया, पैसा भी नहीं दिया और मांगे करता हमारे। इस प्रकार हैदराबाद के निजाम अंग्रेज से नाराज हो गया। मराठा भी अंग्रेज से नाराज था। इस नाराजगी का लाभ उठाया हैदर अली और हैदर अली क्या किया? हैदराबाद के निजाम मराठा को अपने निजाम किया तब अंग्रेज को नकारा। अंग्रेज घबरा गया था कि एक हैदराबाद का निजाम एक अंग्रेज ये सब सोचा कि यहाँ पर अंग्रेज एक हैदर अली यहाँ पर भारी पड़ रहा था। जब तीनों एक हो गया है तोड़ तोड़ के मारे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज का कुछ नहीं, हम इस त्रिभुज को तोड़ते। और क्या किया अंग्रेज के यहाँ हैदराबाद के निजाम के पास कहा, मेरे छोटे भाई ये देखो ना मौजे जब गोलियां लगती है ना तो खून निकल आती है, चला बोले चला 39 साल बोले चला तुम मरना है तो गोश घुसों की गोलिस्तों गोश की गोलिस्तों में मरे। अरे गोश्ती में तुमने छोटा सा मजाक करने का निकाल दे दिया था, छोटा सा मजाक के तू रिश्ता तो लिया, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो लोग यार कैसा दे दिया यही तुम्हारा पैसा दिया ये लोग यही मिला है तुम तो जिला भी जाओ यही मेरा राज है जब तुम्हारा राज किए जाओ। अरे जिंदगी रहेगी ना तो धन दौलत आते रहता है लेकिन दोस्त बार बार नहीं मिलता। दोस्त एक बार गले लग जा हैदराबाद के निजाम का बड़ी बात कि तो हमें छोटा भाई मानते हैं ना दोस्त मानता है इससे मत करेंगे हैदर अली तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अंग्रेज कुलनीति से हैदराबाद के निजाम को हैदर अली से अलग कर दिया। अब कौन बचा? मराठा। अंग्रेज मराठा के पास गया कहा दक्षिण भारत गया मराठा सभा की मराठा सभा जब हम दक्षिण भारत आए थे तो दुनिया वाला हमसे पूछ रहा था कि दक्षिण क्यों गया तुम्हारा वहां कौन है? अब बोले दक्षिण का सबसे बड़ा शक्ति है मराठा, मराठा मेरा बड़ा भाई है और जिस युद्ध में मेरा बड़ा भाई खड़ा रहेगा अंग्रेज सीने को गोली खाएगा लेकिन गोली चलाएगा नहीं। तो केशव प्रसाद के मराठा साहब छोटे भाई से गलती हो जाए उसे एक नंबर लगाकर गले लगा देना चाहिए ना कि दूसरों से नहीं जाना चाहिए। मराठा बोला जा रही पड़ा कि हमें अपना बड़ा भाई मान का इससे युद्ध करेंगे तुम्हारा साथ नहीं दे। इस प्रकार देखो जहां बुद्धि अंग्रेज का कुटनीति से ये त्रिभुज को तोड़ दिया, टूट गया त्रिभुज। देखो जहां पर यही राज यही चीज की कमी थी कि टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान यह त्रिभुज से बनाता था टीपू ना बनता था कि तोड़ नहीं पाता था हैदर अली तोड़ देता था यही दोनों अंतर हो गया। उन्हें त्रिभुज को मैं तोड़ दिया था और एक तरफ रहा अंग्रेज और दूसरी तरफ रहा हैदर अली और दोनों के बीच जो युद्ध हुई इसे द्वितीय विश्वयुद्ध कहा गया। द्वितीय विश्वयुद्ध का समय है 1784 से 1784। द्वितीय विश्वयुद्ध में हैदर अली की सीने में गोली लग गई और चिल्लाते हुए हैदर अली नीचे गिरा और अपने बंदूक का सारा बड़ी निकाल दिया और गिरते गिरते मरने वाले को मार दिया गया। हैदर अली के मरने पर अंग्रेज युद्ध भूमि में जश्न का माहौल बना दिया। युद्ध भूमि
में नाचने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे, ये मैसूर की धरतियों हमारी है, हमारा भी मारा गया, अब हमें कौन रोकेगा? ये पूरा मैसूर मेरा है, देखो वो मैसूर का सिर वो मेरा है, देखो ये हैदरी का महान मेरा है। ये कहकर अंग्रेज युद्ध भूमि में शस्त्र का माहौल तैयार कर दिया। इस तरह के वातावरण में एक हरेक युद्ध भूमि माया हैदरी का एक अति बुजुर्गता उठाया तलवार खींचा और एक छोका में सैकड़ों अंग्रेज को मौत का घाट उतार दिया और चिल्लाते हुए कहा, अंग्रेज जब मनाना रोक दो, युद्ध सभी समाप्त नहीं और युद्ध प्रारंभ हो गया है, दुनिया हमें दसों और टीपू सुल्तान के नाम से जानते। इस प्रकार ये युद्ध चलेगी चार साल और टीपू 14 साल। अब सोचो 4 साल कब हो रहा है, 4 साल युद्ध हो रहा है, तो हुआ यह था कि टीपू सुल्तान जी अपने पिता की याद में एक दो नाम नहीं बनाया था। तो फिर अंग्रेजी सेना में बीमारी चल गई और अंग्रेज भी चाहते थे शांति। इस प्रकार दोनों पक्ष शांति चाह रहे थे, दोनों पक्ष शांति चाह रहे थे और इस प्रकार द्वितीय मैसूर का जिस संधि के तहत हुई थी इसे हम मंगलौर की संधि के नाम जानते हैं और ये मंगलौर की संधि 1784 की हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 की हुई थी। अब बात यहाँ यह है कि हम कहते हैं कि अंग्रेज हैदर अली की इच्छा एक मंचर लगा दिया। हैदर अली क्या क्या करता, हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं रही, प्रजादारों की भी कमी नहीं रही, समझ के? और इस देश में जो जितना बड़ा हो देश के लिए बड़ा होता है उतना बड़ा पाबंदी भी होता है। और टीपू सुल्तान रोने लगा, कभी कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, मैं चाहूं तो भारत की धरती से मैं अंग्रेजों को खा दे सकता हूं, मैं क्या करे, कोई मेरा अपना साथ मेरा देता ही नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता है। और अंग्रेज टीपू सुल्तान के पीछे लगा दिया टोर्चर। और ये बात पता चली टीपू सुल्तान को हम क्या करते सब अंग्रेज को मालूम हो रहा है, यानी हमी जैसे करदार है जो बात मोड़ देता है। तो टीपू सुल्तान क्या करता है, रात को जाता था, सुनो ना पश्चिम में आक्रमण करेंगे, सुबह सुबह हो तो पश्चिम में नहीं उत्तर में आक्रमण करेंगे, अंग्रेज पश्चिम में खड़ा रहता है। अंग्रेज खाने टीपू सुल्तान बड़ी खतरनाक है, अरे भारत की धरती पर कोई तभी तक ईमानदार है जब तक उसे बर्बानी करने का मौका नहीं मिला, और बर्बानी करने के मौका मिलने के बाद दो लोग ईमानदार बन गए, ऐसा यूरोप राज भारत की का हुआ है। यहाँ भारत की धरती पर हर चीज दिखती है, खरीदने वाला चाहिए तो फिर हम खरीदने अंग्रेज हैदराबाद की निजाम और मराठों को कहा कि मेरा साथ देगा, तो साथ जब देगा तो हम मैसूर को जीतेंगे और मैसूर को जीतेंगे तो मैसूर को ईमान में रखेंगे, एक भागेगा मेरा छोटा भाई मराठा बड़ा भाई मराठा, दूसरा भाग मेरा छोटा भाई हैदराबाद की निजाम और वो बच जाएगा हमें दिया। तो क्या हुआ, तो फिर यहाँ पर अंग्रेज मराठा हैदराबाद का निजाम तीनों की सभी सेना हैदर अली के राज पर कर दिया है। इस त्रिभुज को और हैदर अली को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ पाए। अब तीनों ने मिलकर जब है जब तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान से राज रखा है, तो इसी को हम तृतीय मैसूर युद्ध करते हैं। तृतीय मैसूर का समय था 1790 से 1793 से, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई। आप बहुत बड़ा खली है, बहुत ताकतवर है, लेकिन जरा आप ये बताइए आपके शरीर पर 100 हाथी लटक जाए तो आप शासन कुछ कर पाएंगे? और हो गई टीपू सुल्तान की हार, हार हो गई। तो उसके बाद अंग्रेज चिल्लाते हुए जब सोचो हार गई है और अंग्रेज चिल्लाते हुए टीपू सुल्तान के नगर के सामने रथ महल पर चल रहा, चिल्लाते हुए चल रहा है अंग्रेज, लेकिन यहाँ पर अब गया है। अब टीपू सुल्तान का खूबसूरत दो बच्चा
सिर की तरह लाल को अच्छा साइकिल सूख कर देखा था उसका पीठ पकड़कर चिंता को खींचते हुए सीढ़ी जब उतार रहा था तो बच्चा चिल्ला रहा था अपनी जान में बचाओ अपनी जान में बचाओ अपनी जान में बचाओ। टीपू सुल्तान की परिवार की सारी महिलाएं खुदा से प्रार्थना करने लगी परवरदिगार देखिए हमारे बच्चे को कैसे मार रहे हैं इसे बचाओ इसे बचाओ। और टीपू सुल्तान जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने बेटे की चीट को सुल्तान आ गया। इंडिया में सुनी में टीपू सुल्तान को पराजित करने वाला अंग्रेज टीपू सुल्तान से आधा महसूल छीन लिया आधा महसूल को आपस में भड़क लिया हैदराबाद में जहाँ मरा था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के दो बेटे को बंधक बना लिया। अंत में टीपू सुल्तान को एक संगीत कवि के बांध दिया जिसका नाम था श्रीरंग पट्टन की संधि श्रीरंग पट्टन संधि और ये संधि उन्नीस सौ 63 और टीपू सुल्तान रात को सोना चाहता था रात को थोड़ी ताली नहीं रही थी क्योंकि उसके बेटे की चीख उसे सोने नहीं दे रही थी। जब सोए तो उसका बेटा था चीख चिल्ला से क्योंकि अंग्रेज के पास बढ़ना था उसका बेटा। टीपू सुल्तान अंग्रेजी रात अपने महल पर खड़ा होकर कहा या खुदा ये पड़ा था कि हैदराबाद का निजाम यहाँ के लोग देशभक्ति की बात करते हैं इतना बड़ा गद्दा होता है जिसमें वो उतना बड़ा देशभक्ति की बात करता कि हैदराबाद का निजाम और बड़ा था कि मेरा साथ देता ना कि तो हमेशा अंग्रेज का साथ देता है मैं क्या करूं मैं चाहूं मैं समुद्र के अस्तर साधनों को बर्बाद कर सकता हूं लेकिन मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता क्योंकि हमारे अपने ही अंग्रेज का साथ दे रहा है क्योंकि सुल्तान का जब मेरा कोई भारत के साथ नहीं दे रहा तो हम विदेश से मदद लेते टीपू सुल्तान अपना राजू काबू मॉरिशस तुर्की फ्रांस फ्रांसीसी जैकोबिन दल का सदस्य बना ये जैकोबिन दल फ्रांस का था वो लोग के दल का सदस्य बनते थे फ्रांस उसका साथ देता यह बात अंग्रेज को खाने लगी। अंग्रेज का टीपू सुल्तान का फरमान है तेरे सिर और एक सिर को घायल करके छोड़ देना होगी मांगी नहीं खत्म कर दिया जाए टीपू सुल्तान को भी गया अंग्रेज और गया मराठा की को कहा कि मराठा हैदराबाद के निजाम को तुम मेरा साथ दो और फिर हम ना बचा हुआ जो महसूल है इसको जीतेंगे ना फिर तीन भागों बांटते ये लोग मिलते ही फिर तीनों एक हो गए और तीनों एक हो गए फिर टीपू सुल्तान के राष्ट्र का अटैक इसे हम चतुर्थ महसूल युद्ध के नाम जानते हैं और इस युद्ध में फिर टीपू सुल्तान की हार हो गई और टीपू सुल्तान की जब हार हो गई तो टीपू सुल्तान लड़ते 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 सीधन पटना की दीवारों पर आए और हजारों की संख्या में तलवार चल रही है। टीपू सुल्तान को लग रहा था कि हम अपने किले के अंदर चले जाएंगे तो फिर बच जाएंगे फिर देखा जाएगा खान दरवाजा खोल खान दरवाजा है अंग्रेज खान को गद्दार निकल गया खान को पैसा देकर अंग्रेज पहले खड़ी किया टीपू सुल्तान का खान दरवाजा खोल खान और खान तो दरवाजा खुल ही नहीं रही है ये चीख टीपू सुल्तान की मां सुन ली मां तो मां होती है टीपू सुल्तान के मां दौड़ते हुए आई अपनी मां के छत पर बोली खान खान तुम पे बिक गया अल्लाह ये मौसम की ताकत और इज्जत सब टीपू पर निर्भर है अगर टीपू मारा गया तो रसूल हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा ये खान बेटा दरवाजा खोल खान दरवाजा खोलिए ना अब तलवार चल रही है टीपू सुल्तान की मार होते हुए बोले कि आज सच्चाई बता देते हैं बेटा तुम मेरा बेटा नहीं है मां तुम एक दिन का था कचरा का बेटा हुआ था तुम्हें अपना बेटा बनाकर लाए थे जो मैं सोती थी एक बगल में टीपू सोता था तो दूसरे बगल में तुम सोता था और मेरे एक सीने का दूध टीपू पीता था तो दूसरे सीने का दूध तुम भी देते मैंने तुम्हें जल तो नहीं दिया लेकिन माँ का पर मैंने जरूर निभाया था लड़ाई ने तुम्हारी माँ तुमसे दूध का कर्ज मांग ली बेटा गेट खोल दो हमारी कसम गेट खोल दो खान खान गेट खोल खान आपके कॉलेज में काम कर दिया और टीपू सुल्तान पर चल रही तलवार
परमार चल रहे मेरी कुछ दुकान सीधन पटना की दीवारों के अंदर गिरने लगा तो अपना परमार खींच कर मारा और बाहर के बाले को गिरा दिया। मामावती ने सीधन पटना के अंदर में जब गिरने लगा टीपू सुल्तान को मां दौड़ कर आती है और टीपू सुल्तान को पकड़ लेती है। बेटा क्या हुआ? पास आने लगी, बेटा क्या हो गया? टीपू सुल्तान खून से लथपथ है, कंकों पर भरा हुआ खून की छींटे अभी सूखा हुआ नहीं है। एक एक खून आंख से उसे टप 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 छू रहे हैं। टीपू सुल्तान के हाथ में तलवार है, मायूसी उदास होकर अपनी मां को देख रहा है। अंतिम बार टीपू सुल्तान की मां अपने बेटे को बात बताते हुए बोली, बेटा सब ठीक हो जाएगा। टीपू सुल्तान का नहीं मां नहीं, 100 दिन की ढेर की जिंदगी से अच्छा है एक दिन से गुजर गया है।